शेख हसीना के तख्तापलट और भारत में उनके शरण लेने के बाद से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई खटास और बढ़ती जा रही है, जहां पर अब मामले में नया विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद जुड़ गया है। बांग्लादेश सरकार ने झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में अमित शाह की हालिया टिप्पणी के विरोध में विरोध दर्ज करवाया और इस टिप्पणी को बेहद निंदनीय बताया। दरअसल पिछले सप्ताह झारखंड की अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर झारखंड में लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाते हैं तो भाजपा यहां रह रहे हर बांग्लादेशी घुसपैठी को उल्टा लटकाकर सबक सिखाएगी। इसी सिलसिले में बिहार से एमएलए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शफीकुल अहमद खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, देखिए। मेरे साथ शकील अहमद खान जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं अमित शाह के बयान? अमित शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी का पुराना बयान रहता है, बांग्लादेशी को बाहर करो। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सीमांचल का इलाका, और वहाँ से लेकर मालदा, मुर्शिदाबाद तक, ये उनकी कहानी चलती रहती है 30-40 साल से, तो मैं सुन रहा हूँ। घुसपैठिए कोई है यहाँ, कोई गलत तरीके से घुसा है, तो जहाँ से घुसता है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग रहते हैं और ये उसके मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो अपना जो घर है उसको सुधार करके रखने में किसने कहा है? और एक सेट कानून के तहत जो पड़ताल किया जाए, पकड़ा जाए, भेज दिया जाए, किसी ने रोका है? किसी सरकार ने या किसी पार्टी ने कभी रोका है? ये भारतीय जनता पार्टी का एक सेट एजेंडा है। चुनाव का समय है, इलेक्शन का वक्त है, पोलराइजेशन का सियासत नहीं करेंगे, एक दिन भी सरकार में नहीं रहेंगे, तो ये जहनों का बंटवारा करके उनका ये काम होता रहा है। इसलिए ऐसा करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, दुनिया समझती है, देश समझता है। और कोई घुसपैठिए हैं, कोई गलत तरीके से यहाँ का बाशिंदा बन गया है या बनना चाहता है, उसको रोकिए, आपके हाथ में सरकार है, किसने रोका है? इससे पहले भी सर कई बार भाजपा इस बात का जिक्र करती रही है कि लगातार जो है झारखंड में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। चुनाव के इससे पहले भी जब तारीखें आने को लेकर के डिस्कशन, जाहिर है, तो कहा था वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा? वो वोट विकास पे तो मांगते नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़े किए हैं देश की समृद्धि के लिए, देश की एकता, सामाजिक न्याय के लिए, नौजवानों के लिए, रोजगार के लिए, उन सवालों का जवाब तो है नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने और तमाम पार्टी ने जिस तरह का भाषण पिछले लोकसभा में दिया है, तो उसी तरह का बयान ये देंगे ना, उसी में पले बढ़े हैं, तो ये सब उसी का ऑफशूट है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ।